अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आपने जैसे देखा होगा कि ये मुर्गबाजी चलती है, कुत्तों का शौक, ये वो। तो भाई एक नज़र में तो लगता है यार कितना गलत हो रहा है सिस्टम, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इसकी वजह से गांव में रहने का चाव है। ठीक है, जो लोग ये शौक करते हैं वही जो हमारी ज़राअत का मेन सोर्स है। अगर ये शौक़ ख़त्म कर दिया जाए ना, ठीक है, हम कह रहे हैं जी हम वाइट कॉलर वाले लोग ये सारी की सारी ऐसी बुराइयां ख़त्म कर दें, हम जनाब सब इनको एडवांस कर लें, तो भाई वो सारे ज़राअत छोड़ देंगे। जो लोग ज़राअत कर रहे हैं ना वो इन चीज़ों से खुश होते हैं, ठीक है, उनकी ये एंटरटेनमेंट है। पुराने दौर में जो कि अमेरिका में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है, जिसको इन्होंने अब इलीगल किया है, और इलीगल होने की वजह से लोगों ने फार्मिंग छोड़ दी है। ठीक है, तब यही चीज़ें मुर्गे लड़ाने, ठीक है, ये सारे अमेरिका में भी होते थे, जो कि 1900 की दिहाई में ये सारा कुछ था। लेकिन जब से बैन किया तब से लोगों ने शहरों का रुख कर दिया, ठीक है, और अमेरिका को इस टाइम ये जो मतलब ज़रात वाला सिस्टम है ना, ये सारा के सारा इंपोर्ट से चलता है उनका, और लोग जो ज़रात से बिल्कुल किनारा कश हो चुके हैं। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए लोगों को इन कामों में इन्वॉल्व रहने देना चाहिए, जो कि देहाती आबादी हमारी, और वो हमारी बैकबोन है, ना कि उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं कि जनाब साहब आपने मुर्गों का शौक नहीं करना, कुत्तों का शौक नहीं करना, करने दें। अगर उनके लिए चाम नहीं होगा गांव में तो वो शहर आ जाएंगे, सारी की सारी आवाम, फिर सारी की सारी आवाम भूखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।